नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईक्यू बॉक्स एजुकेशन। आज एक रशिया की तरफ से बहुत बड़ा दावा आ रहा है कि रशिया ने अपनी वैक्सीन के सारे क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब उसको रजिस्टर भी करा दिया है, जो कि कल ऑफिशियली रशियन कोविड वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी और यह मास प्रोडक्शन के लिए जाएगी। तो देखते हैं कि ये बात पुतिन जी ने खुद कही है और उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहला वैक्सीनेशन अपनी बेटी का कराया। हालांकि ये 1 अगस्त की रिपोर्ट है, लेकिन 12 अगस्त को माना जा रहा है कि वैक्सीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो देखते हैं कि किस तरह से वैक्सीन की प्रोसेस चली। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं रशिया से, तो रशिया ने यह क्लेम किया है कि वहां पर करीब 3 कंपनियां थी जो कि ह्यूमन फेस ट्रायल के लिए आगे बढ़ रही थी, जिसमें से रशिया की एक कंपनी है जो कि सबसे पहले तीनों ट्रायल्स कंप्लीट कर ली है और अब वो लोग प्लान कर रहे हैं कि बहुत ही मास वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाए रशिया में और ये वैक्सीन रजिस्टर्ड भी हो जाएगी कल ऑफिशियली। तो रशिया में अभी ऑफिशियली यदि देखें तो 2 कंपनीज ऐसी हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं जो कि इस रेस में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहला है वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, और जो दूसरी कंपनी है जो कि इसे बना रही है वो है गामालिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, और ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आपको बता दूं, ये दूसरी कंपनी ने बनाया है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कर रही है कोविड वैक्सीन। जो वैक्सीन के दोनों कैंडिडेट थे उसमें से गमालिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन के तीनों ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं और उन्होंने पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए वैक्सीन को ऑफिशियली रजिस्टर करा लिया, जो कि कल 12 अगस्त को हो जाएगी। ये वैक्सीन जैसे ही रजिस्टर होती है फिर ये सभी में बंटवा दी जाएगी वैक्सीनेशन के लिए ऑफिशियली। अब देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है और इस वैक्सीन के ट्रायल कैसे रहे। तो जब ये वैक्सीन दी गई लोगों को ट्रायल फेज में, तो पहले किस दिनों में उन्हें ने अपनी इम्यूनिटी को डबल किया इस बीमारी को लेकर, और जब इसका दूसरा डोज दिया गया तब वो पूरी तरह से इम्यून हो चुके थे इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो ये वैक्सीन के माने जा रहे हैं कि 100% सक्सेसफुल रही है ये वैक्सीन के ट्रायल्स, इस वजह से इसको ऑफिशियली रजिस्टर किया जा रहा है। अब कॉन्ट्रोवर्सीज भी बहुत सारी हैं क्योंकि रशिया ने अभी तक ऑफिशियली कोई भी ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया है वैक्सीन के ट्रायल्स को लेकर। WHO भी बहुत ज्यादा नजर बनाए हुए है इस मुद्दे पर, और WHO का भी यही कहना है कि रिसर्च पेपर्स और फाइंडिंग्स जो इस वैक्सीन के ट्रायल्स में उन्हें मिली हैं वो लोगों से शेयर करें ताकि क्लियरिटी हो लोगों में भी इस वैक्सीन पे कितना भरोसा किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि इसको लेकर बहुत ज्यादा वरीड है, क्योंकि सबका यही मानना है, WHO का भी यही कहना है। तो WHO has urged the countries to follow the established guidelines to produce a safe and effective vaccine। मतलब WHO भी यही कह रहा है कि इस वैक्सीन को सेफ और इफेक्टिव बनाने के लिए पूरी गाइडलाइंस को रशिया फॉलो करे, उसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखे ताकि बाकी कंट्रीज भी इस वैक्सीन पे ट्रस्ट कर सकें। अब यहीं पर एक डॉक्टर एंथनी है जो कि डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज यूनाइटेड स्टेट के, इनका भी यही कहना है जो चाइनीज और रशियंस अपनी वैक्सीन को बना रहे हैं वो आशा करते हैं कि ये लोग बिना क्लिनिकल ट्रायल के इस वैक्सीन को सीधा लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, नहीं तो ऑब्वियस है इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब 1 अगस्त को जो वहां के हेल्थ मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन का मास प्रोडक्शन ये अक्टूबर तक चालू कर देंगे और इनिशियली ये वैक्सीन डॉक्टर्स और टीचर्स को दी जाएगी और फिर उसके बाद बाकी लोगों को। इनका ये प्लान है बहुत ही वाइडर वैक्सीनेशन अक्टूबर में जो ये करेंगे, उसके लिए इन्हें पूरा एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, इस वजह से इन्हें टाइम लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वैक्सीन रशियंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और जो भी इस वैक्सीन का खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट के फंड से दिया जाएगा, कंट्री के बजट से। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। आप इस वैक्सीन के बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमें बताइए। इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई हो सकती है, वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी, आपकी क्या प्रिडिक्शन है कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। वंदे मातरम।